तो ये नहीं हैरानी आ रही है, ये कल आई थी, इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो आगे का व्लॉग मैं है ना कल पूरा नहीं कर पाई थी, तो आज दूसरा दिन है। तो ये नहा धो के और आराम से बैठी हुई है और इसकी तबीयत थोड़ी सी ढीली है, तो इसके लिए मैं मिलट्स का कुछ बना रही हूँ। तो क्या बना रही हूँ और कौन से मिलट्स ले रही हूँ वो मैं चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो नेहा कुछ बोलना चाहेंगी बेटा? देखे एक दिन में है ना पीली निकल आई बिल्कुल। मैं कह रही थी मखा मैं अपने मैदा ना खून डोनेट कर दूँ तने, पीली निकल आई, लाल हो जाओगी, पिंकिश पिंकिश हो जाओगी। तो बोली आपका खून मेरे किसी काम का नहीं। तो नेहा बताएगी मेरा खून इसके लिए किस काम का नहीं है। तो आप कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि मेरा बी पॉजिटिव ब्लड है। नहीं नहीं तेज बोल, तेज बोल। मैं कह रही मेरा बी पॉजिटिव ब्लड है और आपका बी नेगेटिव है शायद से। अच्छा तो नेगेटिव, हाँ कोई बात ना, ब्लास्ट हो जाओगा। ब्लास्ट हो जाओगा, कोई दिक्कत ना है, तो डायरेक्ट चढ़वा देती हूँ, मेरे जितनी एक्टिव हो जाओगी फिर। हाँ कि मैंने सारी जिंदगी होगी उड़ उड़ करते। देखो मेरी है ना वो मीटिंग पड़ती थी ना जब मैं इनके साथ है ना सफर में जाती थी, तो ये लोग बोलते हैं मतलब सबके सब ये बोलते हैं कि है ना साइकोलॉजी डिफेक्ट है आपका, साइकोलॉजी डिफेक्ट है आपका, उल्टी आती नहीं है, आप जान पूछ कर ऐसा करते हो, जाने से पहले ही सोचने लग जाते हो और फिर आपकी तबीयत ऐसे ही हो जाती है। तो अब ये बताएगी कि वोमिटिंग जब आती है तो पेट की आते हैं ना मुंह से ना बाहर निकल कर हेलो आई बोल देती है। मैंने भी सारी जिंदगी उल्टियाँ ही नहीं है। हाँ तने क्या उल्टी गिरी है, तू तो है ना सफर का एंजॉय करती, तुम सारे के सारे एंजॉय करते चलो हो। सफर का नहीं, आप अपनी आप वो कैमरे पे आ गया तो भी आ गया। वो कर लेंगे हम, इन्हें दोबारा कर देंगे। हाँ तो सफर की बात थोड़ी कर ली, तो उल्टी की बात। नहीं 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 मैं तो थरे गल गल घिसड़ा करती ना, तुम जब तुम छोटे थे थरी खुशी के मारे जा करती, अरे ना जाने से पहले ना मतलब ये हो जाता था कि हाँ, क्योंकि मेरे को पता था मेरी हालत खराब होनी है और गाड़ी में बैठते ही थनथनी आनी शुरू हो जा करती, थोड़ी सी दूर चलते हुड़ 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 मतलब 10 घंटे का सफर है ना 15 घंटे खिंचवा दिया करती, 5 घंटे मेरी उड़ उड़ चलिया करती। तो अब इसका तो कदे 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 है ना उल्टी लग गए। और है ना भाई पहला तो जान थी रही मैं, अरे ये ना जान जून कुछ ना रही, एक दो वो मीटिंग आते मैं तो फूस हो जाऊंगी, इसलिए मैं कितने जाती है को ना, मैंने मेरा घर ही बढ़िया है, तो ये ही फिर कितने कितने जान की है ना तैयारी में थी, लेकिन इसका भी उड़ उड़ लग गई थी, वे कई दिन रेस्ट फरमाओगी। हाँ तो इस तरह ना मैं है ना कुछ ना कुछ खिचड़ी पिचड़ी कुछ ऐसा, कल भी मैंने खिचड़ी बनाई थी लेकिन सिर्फ 2 ही चम्मच खाई थी, और शाम ने चटनी बनाई थी प्याज और टमाटर की, उसमें भी इसने 1-2 ही टूक खाया था। तो फिर अभी मैं कुछ मिलट्स का कुछ बना रही हूँ, कुछ मीठा तीखा दोनों बना दे, खीर बना देती हूँ और फिर तीखा ही बनाती हूँ, तो क्या बनाऊंगी वो देखते हैं। और अब कुछ कहना चाहेंगी? कुछ ना कहना चाहेंगे, आज तो इसकी जुबान भी ना निकलती, ये कहती चुपचाप बैठी है। मेरे सनी जुल्फे मेरे बाल इतने पहले कब से हो गए। तो चलो भाई किचन में चलते हैं, अपना तो वही रूटीन है तड़के से लेकर शाम तक कोल्लू में पलना ही पलना है। तो ये है भाई लिटिल मिलट्स और इसी की रेसिपी मैं बनाऊंगी। देखो पोचा लगाती लगाती नीचे तक चली गई थी, तो ये मुंह फुलाकर बाहर भी निकल गई, तो ये बन चुके हैं। और अब इसको ना आप खीर बनाना चाह रहे हो तो दूध के साथ बॉयल कर सकते हो, लेकिन मैं कुछ देखती हूँ नेहा से पूछती हूँ, शायद थोड़ी सी मैं खीर भी बना लूँ और थोड़ा सा कुछ नमकीन भी बना लूँ। तो मैं ये ना जो लिटिल मिलट्स है मैंने 1 घंटा भिगो दिए थे और फिर 2 पानी से धो के भिगो के रखते थे। फिर ये जो है ये मिट्टी की हांडी है और मिट्टी की हांडी में ये ज़्यादा हेल्दी बनते हैं और ज़्यादा जल्दी भी बनते हैं। तो अब इसमें ये मतलब 10 मिनट के लिए मैंने बॉयल कर लिए, तो ये उबल गए हैं ये देखो। अब इसको ऐसे कैसे है ना शक्कर के साथ भी खा सकते हो और इसी के अंदर ना गुड़ डाल के भी गुड़ मेल्ट हो जाएगा और थोड़े से ड्राई फ्रूट है ना शेल फ्राई करके वो ऐड कर सकते हो, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और एक डेजर्ट बन जाएगी। तो मैं अभी पूछती हूँ तीखा खाएगी कि मीठा खाएगी, तो ऐसा कुछ है। और ये जो है कास्ट आयरन की कढ़ाई, इसमें अगर तीखा खाएगी तो इसमें मैं सब्जी वगैरह डाल के और थोड़ा सा तड़का लगा के और फिर मैं बनाऊंगी, जैसे मसाला खिचड़ी बनाती हूँ ना मैं और जो चावल बच जाते हैं फ्राइड राइस जो बनाती मैं वैसे ही कुछ इनका मैं बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे
और ये नूनी घी है, तो इसको गर्म करना रख दिया है। अब सब्ज़ी में मैंने क्या लिया है, शिमला मिर्च है, मोटे मोटे जो है प्याज काट लिए हैं, आलू और ये कड़ी पत्ता है, हरी मिर्च है और कुछ जाएंगे स्पाइसेस, तो इसमें डाल देते हैं। ये पीली सरसों का तेल है और मैं यही यूज़ करती हूँ तकरीबन, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और एक स्मोकी फ्लेवर की ना सब्ज़ी वगैरह जो बनाओगे वो स्मोकी फ्लेवर की बन जाएगी। इसमें हो गया एंड, तो इसमें मैं वो डाल दूँगी। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं और इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, फिर इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर डाल देंगे ये मस्टर्ड सीड और जीरा और डालूँगी थोड़ा सा। और ये जीरा और इसमें दो डाल दूँगी साबुत मिर्च। और अब इसमें डाल देंगे प्याज और एक हाथ में मोबाइल पकड़ रखा है और एक से मैं खाना बना रही हूँ। और इसको बस ये थोड़ी सी इसकी जो लेयर है ना प्याज की, ये अलग अलग हो जाए, यानी थोड़ा सा ये कलर चेंज हो जाए, कलर यानी तो ट्रांसपेरेंट, हल्का सा सोते करना है। और उसके बाद डाल देंगे इसमें ये कड़ी पत्ता और हींग ऑप्शनल है, आप पसंद करते हो तो आप यहाँ पर हींग डाल सकते हो। मैं विदाउट हींग इसको बना रही हूँ, बाकी हींग अच्छी होती है, पता नहीं मुझे इसकी सूट नहीं करती। और अब डाल देंगे इसमें आलू, कोई भी वेजिटेबल आप इसमें डाल सकते हो, जो भी आप लाइक करते हो आप वो वेजिटेबल ऐड कर सकते हो। और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। अभी यहाँ कोई स्पाइसेस नहीं डाल रही अभी तक, तो इसको थोड़ा मैं भून लेती हूँ। और यहाँ पर नेहा रानी बना रही है नींबू का पानी, और हमारे घर में है ना सबसे ज़्यादा अच्छा यही नींबू पानी बनाती है। मेरे पति देखो तो मेरे हाथ का नींबू पानी पसंद भी नहीं है, तो ये देखो पता नहीं कैसे बनाती है, बिल्कुल मैंने इसकी तरह ही बना कर देख लिया लेकिन उन्होंने टेस्ट नहीं आता। हाँ वो बेटी वाला जो टच होता ना वो नहीं आता है। ये पापा की चमची है। और यहाँ पर मैंने ताज़ा नारियल कद्दूकस कर लिया है, अब इसका हाल देखते हैं क्या है। अब इसमें डाल देते हैं शिमला मिर्च और अब डाल देंगे स्पाइसेस इसमें जितने भी हमने डालने हैं, और जो हरी मिर्च है वो भी डाल देते हैं। थोड़ी सी डाल देते हैं हल्दी और नमक डाल देते हैं इसमें, और ये सेना नमक डाल रही हूँ मैं इसमें। अब इसको ढक के रख देंगे। अब अपने सब्जी का देखते हैं क्या हाल है, और पीछे ना टीवी की आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी, तो ये देखते हैं। हाँ ये 80% पक चुके हैं। अब आती बारी मिलट्स की, चल भाई मिलट्स उधर चल, और ये इसमें ऐड कर देंगे।
ये सारा ऐड कर देती हूँ मैं इसमें। और ये हो गया है रेडी, गैस को कर देंगे बंद और यहाँ पे डाल देंगे ताज़ा नारियल। सारा नारियल जो यहाँ पे कस किया था वो सब डाल देंगे और ये बन जाएगा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी मिलेट्स फूड। देखने में भी इतना खूबसूरत लग रहा है ना, ये देखो। और ये जो है यहाँ पे घी भी उबल रहा है तो इसको उबलने दूंगी मैं अभी। तो ये हो गया है रेडी, इसको थोड़ी देर ढक देते हैं। और धनिया है, पत्ती है तो आप धनिया भी डाल सकते हो इसमें। और यहाँ पे देखो ये मिलेट्स की खीर बनी रख दी है। और ये जो है सब्जी डाल के मिलेट्स बनाई है, ताज़ा नारियल डाल के। और इसको ना मिलेट्स को जो है एक घंटे पहले मैंने धो के भिगो दिया था और अब इसमें दूध डाल के और इसमें बनने के लिए रख दिया है। इसमें ये मैं ताज़ा नारियल डालूँगी और ड्राई फ्रूट डालूँगी और इसको बनाऊँगी मैं गुड़ डाल के, गुड़ की जो का पाउडर होता है ना वो डाल के बनाऊँगी मैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सा आज हमारा लंच बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर सलाद काट ली है और ये देखो प्योर बिल्कुल गाय का देसी, प्योर देसी घी। और अब ये देखो ये बन चुकी है, ये देखो। और अभी मैंने इसमें मीठा नहीं डाला क्योंकि मैं खाऊंगी विदाउट शुगर और इनके लिए मैं डालूंगी शुगर इसमें, यानी गुड़ का पाउडर। अब यहाँ पे जो है ये किशमिश और ये बादाम इसमें कूट लिए हैं तो एक चम्मच डालेंगे गाय का घी और ये जो ड्राई फ्रूट है ये डालेंगे। तो ये डाल दिया है घी, हल्का सा गर्म करेंगे इसको और ये डाल देंगे और इसमें डाल देंगे बादाम। हल्का सा कलर चेंज हो जाए बस तब तक इसको चलो। अब ये देखो ये हो गया है, अब इसको डाल देंगे खीर में या खीर इसमें डाल देंगे। और अब इस खीर को डाल दूंगी उसमें। और अब डाल दूंगी ताज़ा नारियल इसमें और ये जो है नारियल कद्दूकस कर लिया है, अब ये डाल दूंगी इसमें। और कच्चा जो ताज़ा नारियल होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और हार्मोन्स के लिए है ना ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। ये नारियल एक बहुत ही सुपर फूड में माना जाता है। तो ये मिलेट्स और इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए और ताज़ा नारियल डाल दिया तो ये अपने आप में फुल मील हो गया। अब देखो मैं तो खाऊँगी विदाउट शुगर और तलन साहब और बेटी के लिए इसमें जब वो खाएँगे ना तो ऊपर से इसमें शुगर ऐड कर दूंगी, यानी जो शक्कर है ना वो ऐड कर दूंगी, ऑर्गेनिक शक्कर है मेरे पास वो ऐड कर दूंगी। तो ये बन गई है, अब इसको थोड़ा सा ढक दूंगी। और ये जो नारियल है ताज़ा नारियल मैं रखती हूँ क्योंकि मैं डेली खाती हूँ तो ये रखती हूँ मैं फ्रिज में धो के अच्छे से और ये रख दिया था। तो ये हो गया है